एक सैनिक की शहादत का अपमान हुआ है। दरअसल जब हवाई फायरिंग की जा रही थी, इस दौरान ब्लैंक फायरिंग कर दी गई। सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी करते हुए शहीद हुए नौखा के सूबेदार तुलछा राम को अंतिम संस्कार से पहले फायर करके सम्मान नहीं देने को नागौर के सांसद और नौखा के पूर्व विधायक रमेश्वर डूड़ी ने अपमान बताया। बेनीवाल का कहना है कि सेना के इस कृत्य को वो लोकसभा में उठाएंगे। ये एक शहीद का सम्मान नहीं बल्कि अपमान है कि उसे गॉड ऑफ ऑनर तरीके से नहीं दिया गया। नौखा के केडली गांव में बुधवार दोपहर तुलछा राम की पार्थिव देह पहुंचा। इस दौरान हजारों की तादाद में लोगों ने नम आंखों से तुलछा राम को श्रद्धांजलि दी। सेना की टुकड़ी ने शहीद के अंतिम संस्कार के बाकी प्रोटोकॉल तो निभाए लेकिन फायरिंग नहीं की। इस पर मौके पर उपस्थित नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने वहां उपस्थित सैन्य अधिकारियों से जानकारी चाही कि फायरिंग क्यों नहीं की गई। इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बेनीवाल का आरोप है कि सेना के अधिकारी और जवान इस बात पर वहां से निकल गए। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बेनीवाल ने कहा कि हम कई बार शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, हर बार फायरिंग की जाती है। इसके विपरीत शहीद तुलछा राम को फायर करके सम्मान नहीं दिया गया। अगर इस नियम में कोई बदलाव हुआ है तो सैन्य अधिकारियों को बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर जातिगत आधार पर सेना ने ऐसा किया है तो ये बेहद गलत है। देखिए, शहीद तुलछा राम जी ने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर देश के लिए कुर्बानी दी और आज 1,00,000 से ज़्यादा लोग बीकानेर से लेके केडली गांव तक उनको नमन करने के लिए पहुंचे। हम सब आए हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे CLP लीडर रामेश्वर की डूडी साहब भी साथी हैं हमारे। और ये बड़ा अचंभा हुआ, हम तो हमेशा जहाँ भी शहीद होते हैं वहाँ जाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सर, शहीदी धुन भी बजी सर, लेकिन फायर नहीं किया जी। और हमने जब जानकारी चाही तो भाग गए वो लोग। और गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर हमें या तो ये बताओ कि देश के अंदर कहीं भी गार्ड ऑफ ऑनर में फायर नहीं किया जाता। हम भी जीत नहीं करते, सेना के नियम होते हैं, लेकिन आप 2 दिन पहले तो फायर कर रहे हो जहाँ अभी सोमलचंद के अंदर, या मैं 50 जगह गया हूँ जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर फायर किए जाते हैं और बाकी सारा सिस्टम सही तरीके से था, लेकिन गार्ड फायर नहीं करना एक तरीके से कहीं न कहीं ये लज्जित करने वाली बात है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश्वर डूड़ी ने भी गार्ड ऑफ ऑनर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सेना को 21 फायर करना चाहिए था, ये अधूरा गार्ड ऑफ ऑनर था, सरकार को इस अधूरे सम्मान की जाँच करनी चाहिए। डूडी ने आरोप लगाया कि शहीद के सम्मान में भेदभाव किया गया, इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल नौखा से केडली तक तो बच्चों ने जगह जगह रंगोलियां सजाकर शहीद की अंतिम यात्रा के रास्ते को सजाया सवारा। लड़कियों ने इन रंगोलियों में तिरंगा दर्शाया तो कहीं वीर जवान की राइफल दिखाई गई। नौखा में तो हजारों की संख्या में लोग इस काफिले में शामिल हुए। नौखा में पूर्व सांसद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश्वर डूडी ने पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं केडली में उनके निवास पर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक मोहन राम, नौखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई और आत्माराम तड़ मौजूद रहे। तुलछा राम के घर के आगे आज सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच बीच में उनकी पत्नी और अन्य सदस्यों की सिसकियां सुनाई देती है। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग भारत का झंडा हाथ में लिए शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए नजर आए। लेकिन सवाल अब सम्मान पर खड़ा हो गया है, क्योंकि सम्मान सैनिक का है, सम्मान उसकी शहादत का है।